अधिकारी के फॉर्म आवेदन करने के बाद सबसे अगली समस्या होती है तैयारी कहाँ से करे, कैसे करे, समय बहुत कम है। और इस बार इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, लनी दुर्गेश पर, दुर्गेश जैसे वाले भरोसा करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने भी आईएएस मेंस लिखा 17-18 का, तो थोड़ा सा अनुभव मेरे साथ भी है, तो उस अनुभव को मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। सबसे बड़ी बात यह, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक पढ़ाई परीक्षा जो कराई जा रही है, ये दो चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहना। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। अगली बात अगर हम लोग देखें, क्योंकि इस बार साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू नहीं है, इसलिए आपके लिए एक बेहतर मौका है अपने आप को प्रदर्शित करने का। एक बार दूसरी बात ये जाननी होगी कि पूरी जो पद संख्या है वो 309 है। कितनी है? 309, माने पदों की संख्या 309 है। और जो आवेदन होंगे ये लाखों में होंगे। ये आवेदन कितने होंगे? लाखों में होंगे। उसके दो कारण है, पहला तो फॉर्म का मूल्य कम है, दूसरा जितने लोग उस योग्यता के पैमाना को खरे उतरेंगे वे सभी लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आवेदन करने वालों की संख्या मेरे हिसाब से लगभग 12 लाख रहेगी, तो 12 लाख आवेदन करने वालों में केवल पद संख्या 309 लोगों का चयन होगा। मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मोलों में शायद इसका मान आएगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस सोचिए कितना है। और सभी कोचिंग संस्थान आपको अभी ये गुमराह करेंगे, ये बताएंगे कि पद संख्या बढ़ेगा, अभी सीटें बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल एक सीट से मतलब है, अपने एक सीट के लिए पढ़ाई करिएगा। लेकिन जब भी पढ़ाई करिएगा एक बात को विदित रखिएगा कि अगर पढ़ाई में जरा से भी कमी रह गई तो शायद अंतिम रूप से आपका चयन नहीं हो पाएगा। मैं कोरी सच्चाई बताऊंगा क्योंकि मैं अभ्यर्थी हूं। सबसे बड़ा कारण है, यहां पे आवेदन करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कौन कौन होता है? पहला वो जो आज यह अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तब से यूपीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है, एक तो वो बंदे होंगे। उसके बाद दूसरा बंदा वो है जो फॉर्म आने पे आवेदन करता है, माने जब फॉर्म का विज्ञापन आता है तब आवेदन करता है। तीसरे टाइप का बंदे वो होते हैं जो अच्छा फॉर्म आया है, मैं एलिजिबल हूँ, फॉर्म भर दो, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो 3 तरह के लोग आवेदन करेंगे। तो अब 3 तरह के लोग जब आवेदन करेंगे, तो जो पहला व्यक्ति है जो आज से 5 साल से लगातार यूपीपीएससी की लगातार तैयारी कर रहा था, जनरल स्टडी से लेकर हर एक फोर्स पर अपना बेहतर दे रहा था, तो अगर उससे आपको काटना होगा, काटना का मतलब यह है, ये जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं ये एक रेस होती है, आपको पता होना चाहिए, ये एक रेस होती है। इस रेस में हम अकेले नहीं दौड़ते, इसमें मेरे साथ पूरा प्रदेश दौड़ता है। माने इसमें 12 लाख अभ्यर्थी दौड़ेंगे, उसमें 300 अभ्यर्थी जो सबसे बेस्ट होंगे वो अंतिम रूप से चयनित होंगे। और आपकी लड़ाई पहले तो इनसे है, क्योंकि जो 5 साल से पहले पढ़ रहे थे, इन 4 महीना में आपको उनसे बेहतर पढ़ना, उनसे ज्यादा पढ़ना। क्यों? क्योंकि जब आप इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे तब ये रिपीट करना शुरू करेंगे। इनकी भी संख्या कम से कम 50,000 से ज्यादा होगी। तो अगर 50,000 ज्यादा ये है तो आपकी तैयारी क्या है? तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि आपको तैयारी में आपको अभी भी समय है। मैंने 4 महीने का समय लगभग होगा, क्योंकि आवेदन होगा, परस्पर जनरेट होगा, परीक्षा होगा, आवंटन होगा, मतलब कम से कम 4 महीने का समय है। तो 4 महीने में समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह इस बार का जो पेपर पैटर्न देखने के बाद मेरा खुद से चकरा गया। वैसे मैं परीक्षा में नहीं बैठा था, मैंने उत्तर कुंजी भी जारी की थी, लेकिन वहां पे जाने के बाद एक बात विदित हुआ कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान वालों, मैं तो लड़के जो मुझे बताया हैरान रह गया कि कवर यहां रह गया, मोबाइल घर चली गई, कि यह हैरान रह गया मैं कि अगर पीसीएस में 5 प्रश्न अगर उनके नोट से आ जाते हैं तो इतने बड़े बड़े माहौल बनाते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि दुर्गेश सर भी पर्यावरण के नोट्स को अभी पीसीएस के नोट से तुलना नहीं की है। अब मैं तुलना करूंगा 22 तारीख को, मैं 22 तारीख को दिखाऊंगा कि कितने प्रश्न हमारे यूपी टेट में, कितने सी टेट में, कितने पीसीएस में आए थे। तब लोगों को समझ में आएगा कि अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है, क्योंकि मैं इस रेस का घोड़ा, मुझे ये पता है कि नया पैटर्न क्या है। पहले वाले लोग उसी पैटर्न पर पढ़ाते हैं, वही रटंत विद्या जो पहले रटते थे उन्हीं अध्यापकों से पढ़ाते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। पेपर का पैटर्न के साथ साथ परीक्षा पूछने के जो तरीके वो भी अलग हो चुके हैं, और आपको अलग तरीके से पढ़ना, अगर अलग तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप उन भीड़ में उन मंडी की तरह भागेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर्म आ गया तुरंत लोग ऑनलाइन करते हैं, तो इसमें 309 लोग सेलेक्ट होंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग कहेंगे सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है। ना ना ना, बेरोजगारी नहीं बढ़ा रही है, वास्तविकता यह है कि हम इजिबल नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसकी तैयारी करने के लिए आप
प्रयास ही करिएगा कि सेल्फ स्टडी करिएगा, किसी कोचिंग का सहारा लेने का प्रयास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएंगे पढ़ना आपको है। कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने से काम हो जाता है कि जो आप 6 घंटे घर पे रेगुलरिटी नहीं दे पाते वो कोचिंग से रेगुलरिटी बन पाती, अन्यथा कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिस कारण से आपको कोचिंग से नंबर आ गया है। दूसरी बड़ी बात, अगर वो ऐसे कोचिंग से भी दूर रहेगा जो पुरानी पद्धति पे पुराना रटा रटा आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आपको दूर रहना है। फिर आते हैं कि मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इसकी पठन पाठन कैसे होगी, क्या पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं सिलेबस का जिक्र इसके बात करूंगा, पूरा सिलेबस को तोड़कर बताऊंगा कितने प्रश्न कहां कहां से आएंगे, प्रश्न पत्र कैसा होगा। लेकिन ये जानने योग्य है कि आपकी संख्या 12 लाख है, तो 12 लाख में अगर आप चतुराई के साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये समस्या हो जाएगी कि अंतिम रूप से चयन कैसे होगा। पीटी अलग पढ़ेंगे, मेंस अलग पढ़ेंगे, उठाई दिखाई थोड़ा सा आप लोग को आज सब कुछ हम लेकर आपके लिए आए हैं वो अलग। देखिए मैंने पूरा प्रीलिम्स का पूरा ये पेपर है पूरा मैंने उठा के एनालिसिस किया है कि अभी तक पेपर कैसा आया है, हर वर्ष आयोग ने कैसे परिवर्तन किया है। फिर मेंस के लिए भी लेकर आया है कि मेंस का पेपर कैसा है, उसके बाद मेंस की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं कि उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी के यूट्यूब चैनल से दूर रहिए। अगर आपको लगता है मैं फर्जी हूं तो मुझे छोड़ दीजिएगा, अगर आपको लगता है मैं फर्जी हूं तो मुझे छोड़ दीजिएगा। अन्य किसी भी जो आपको गुमराह कर रहे हो, पुरानी पद्धति पढ़ा रहे हो, ऐसे लोग से दूर होइएगा। आपका समय बहुमूल्य है, दो काम आपको साथ करने हैं, एक तो पीटी की तैयारी करना है, साथ में मेंस को भी लेकर चलना है। और दूसरी बात, इस इजिबिलिटी में केवल केवल बीएडधारी इजिबल है, बीटीसी नहीं है। मैं बीटीसी बेशक हूं लेकिन मैं जो भाषा चाहिए उसको रूबरू करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे कोचिंग में दाखिला लेना है तो मैं बता दूंगा तो लड़के बढ़े आएंगे, किसी की जमीन की जीवन से किसी के कैरियर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस बात को साफ बता दूं। और बीएड में भी एक बड़ी समस्या ये होगी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, अभ्यर्थी होंगे जो काफी समय से पहले से बीएड करके बैठे होंगे, अब उनकी तैयारी करना, कुछ लगातार तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अभी फ्रेशर आए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अपने आप में काफी मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अपने आप में गूढ़ लड़ाई हो जाती है। और ये लड़ाई अपनों में से होती है और यहाँ पे 300 ही सबसे जो बेस्ट होंगे वही चुनकर जाएंगे। उन 300 बेस्ट को अपने आप में से खंगालना है। वो कैसे खंगालेंगे, उसके लिए आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा। उस टाइम टेबल के आधार पर सबसे माने रखता है रेगुलरिटी। समय कम है, वरना मैं 6 घंटे से 8 घंटे आपको पढ़ने के लिए कहता। समय कम है, प्रतिदिन आपको 12 घंटे देना है। 12 घंटे में मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो एक चीजें नहीं पढ़नी है, दो चीजें नहीं पढ़नी है, आपको 18 अध्याय को पढ़ना है। बीटीसी के लिए मैं बाद में चर्चा करूंगा इसकी बात की वीडियो में, ठीक है। बीटीसी वाले अगर हैं तो बाद में करूंगा लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इस सिलेबस में कई पार्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, जनसंख्या, नगरीकरण, मतलब कई चीज है, करंट अफेयर, विविध, उसके बाद मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सांख्यिकी, मतलब कई क्षेत्रों को मिलाकर तब इसका पेपर पैटर्न तैयार होता है। मैंने पुराने ईयर पेपर का एनालिसिस भी कर लिया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इस समय अब आपको प्रश्न उठेगा कि कैसे पढ़ा जाए, तो अब ये सोचना ही बंद करिए, पहले आप शुरू कर दीजिए पढ़ना। एकदम ये मत सोचिए क्या पढ़ना है क्योंकि इतना समय भी आपके पास नहीं है, ये सोचिए कि क्या पढ़ना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ रही, मतलब बिना पूछे आप एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 तक पढ़ रही, किसी से मत पूछिए। अगर नहीं मिल पा रही है तो अपने यहाँ राज्य सरकार की जो किताबें होती हैं, 6 से लेकर 8 तक इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट को हर हाल में खत्म कर दीजिए। समय मिलेगा इन 3 के मैथमेटिक्स सॉल्व कर लीजिएगा। इतना काम अगर आप कर लेते हैं उसके बाद न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इसके बाद मैं आऊँगा आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। उसके बाद सभी लोग, जितने लोग पढ़ने वाले हैं, एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाकर पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कराना है, GD कैसे करनी है, कैसे प्रश्नों को निकालना है, तब जाकर आप, हम और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको GD करनी है, कैसे ग्रुपिंग करके आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि पद संख्या जो है 309 है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं पद संख्या से ज्यादा, मेरे यहाँ भी कोचिंग शुरू होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, अगर आप, मैं बार बार ये कहूंगा कि सेल्फ पढ़िएगा, मैं सेल्फ पढ़ने के लिए किताबों के नाम बता देता हूँ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, आपको जुड़ना चाहिए, तो आपको जो सबसे बेहतर लगे वहां आप जुड़िएगा। अगर मेरे यहां जुड़ेंगे तो मैं केवल 150 अभ्यर्थियों का एडमिशन लूंगा, उससे एक ज्यादा नहीं,
कम रहेंगे चलेंगे, मैं ज्यादा अभ्यर्थियों का एडमिशन दाखिला नहीं लूंगा और एकदम मामूली शुल्क रखूंगा ताकि हर एक व्यक्ति वहन कर सके और हम उतना मुझे मिल जाए जितना मैं अध्यापकों को दे सकूं, रूम रेंट दे सकूं, बिजली का बिल भर सकूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए, इतना मामूली फीस रखेंगे ताकि आपको भी तकलीफ ना हो, हमारे यहाँ स्टाफ को है उनको भी तकलीफ ना हो, आपका भी हो जाए, मेरा हो जाए, और जब चयनित हो जाइएगा तब जो गुरुदक्षिणा समझिएगा वो आके मुझे दीजिएगा, वो मुझे सहृदय स्वीकार है। अब आगे आते हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी किताबें पूरी पढ़ा लिए, पूरा पूरा एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद घटनाचक्र किताबें पूरा पढ़ा लिए, इनको पढ़ने के बाद आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर एनालिसिस करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस इसके लिए रामबाण तरीका है, और आप न्यूज़पेपर अगर एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में बेहतर स्कोर की तरफ अग्रसर होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे जोड़कर पेपर कैसे बनाए जाते हैं, उन सभी बातों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आप फॉर्म देने के बाद इधर उधर भागिएगा मत, पहले पढ़ना शुरू करिएगा। दूसरी बड़ी बात, अभी प्रैक्टिस सेट से दूर रहिएगा, अभी केवल केवल कंटेंट पढ़िएगा, कंटेंट पढ़ते समय इस बात को भली भांति परिचित हो जाएगा। देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान, तो कुछ प्रश्न फोर्स ऐसे होते हैं, पर्यावरण, जो आपके लिए बेहद आसान होते हैं, कुछ बहुत कड़े होते हैं। इतिहास में दिखेगा प्राचीन इतिहास, मेडिवल और मतलब एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो मॉडर्न सबसे ज्यादा फोर्स करिएगा। अगर आपको हिस्ट्री वीक है, आप साइंस से हैं और आपको इतिहास में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप पहले क्या करिएगा, मॉडर्न पढ़िएगा, एशियंट और मेडिवल छोड़ दीजिएगा। कारण क्या है, यहाँ से प्रश्न कम आते हैं, चुनिंदा प्रश्न आते हैं, तो सबसे ज्यादा मॉडर्न से आते हैं। मॉडर्न पढ़ेंगे साथ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, दोनों क्या होंगे, एक रेस से घोड़े जाएंगे, दोनों तरह से चल पाएंगे। फिर ज्योग्राफी में दो पार्ट हो जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें भी कई पोर्शन है, लेकिन मैं अपने आप से, क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा तो अपने हिसाब से आपको मैनेज करके पढ़ा दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, वो भी मैं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन पेट क्लास में पढ़ाऊंगा, उसके लिए क्लास के लिए टीचर भी है, वो ही पढ़ाएंगे, दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद सभी की घटना चक्र लेके एक बार आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि घटना चक्र सॉल्व करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि समय कम है आपके पास, उस तय समय में आपको हर हाल में खत्म करनी है। मैंने आपको प्रतिदिन एक रेशियो बना के चलना है कि 3 घंटे हमें घटना चक्र पे देना है, 4 घंटे हमें एनसीईआरटी पे देना है, और 4 घंटे दुर्गे सर की कोचिंग पढ़ना है, या जो भी कोचिंग पढ़ना है, उतना पढ़ने के बाद अगर आप चलेंगे तब इन 309 पदों में आप अपना स्थान बचा पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कहने के लिए लोग कहते हैं मेरे यहाँ सिलेक्शन हुआ, आइए मैं लोक प्रशासक बनूंगा, मेरी कोचिंग में सबसे बेहतर हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। कारण क्या है कि बंदे 309 ही होंगे, और लोग कभी एडमिशन करने के लिए कह दीजिएगा तो 500 लोग का, 1500 लोग का दाखिला लेंगे, ये सेंटर वो सेंटर, यहाँ है वहां, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंतिम रूप से 309 बंदे ही चुनकर जाएंगे, वो 309 बंदे सबसे बेस्ट होंगे, उन 12 लाख में जो 309 बेस्ट होंगे, क्योंकि आपको पता आयोग ऊपर से उठाता है, नीचे से नहीं, कहां से, ऊपर से उठाता है, नीचे से नहीं उठाता। दूसरी बात, आप लोग प्लेन कॉपी लीजिए, जैसे ये है, ये मेंस की कॉपी, आईएएस की मेंस की कॉपी ऐसे मिलती है, क्योंकि किसी ने आईएएस मेंस लिखा हो उसको पता होगा, देखिए आईएएस मेंस की कॉपी है, इसी तरह लिखे आईएएस मेंस की कॉपी, यूपीएससी कॉपी है, तो मान लीजिए आप आईएएस मेंस की कॉपी मत लिखेगा, लेकिन आप प्लेन पेज पर ही लिखेगा। कारण क्या है, क्योंकि आपको जो मेंस लिखना है वो प्लेन पेज पे मिलेगा, और जब प्लेन पेज पे मिलेगा फिर वहां दिक्कत होगी, ये थोड़ा सा वाइट होता है, आईएएस के जो होते हैं वो पीसीएस के, आईएएस के जो होते हैं थोड़ा पीला होता है, मोटा पेज का होता है, देख लीजिएगा ये आईएएस की कॉपी है, आईएएस मेंस इसी पे लिखी जाती है, ठीक। तो आप लोग, हमने भी इसी पे लिखा था, वो पीला था, हल्का मोटा भी था, तो प्लेन पेपर लिखेगा ताकि आपको मेंस की भी दिक्कत ना हो। मेंस के लिए मैं अभी से गाइडलाइन आपके लिए गाइडेंस करता रहूंगा कि मेंस में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मेंस के लिए मैं आपको जो इन्होंने दिया है तरीका वो बेहद आसान तरीका है, कुछ चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेंस को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोग अपने अपने तैयारी में लग जाइए, अभी बहुत सारे त्यौहार मिलेंगे, ठंडक मिलेगी, दिवाली का, होली का त्यौहार आएगा, मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का त्यौहार आएगा, ठंड का आगाज होगा, इन सभी के बाद जो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा वही अंतिम रूप से चयनित होगा। आपके पास समय बहुत कम है, अगर कोई ये मान के बैठा है कि भी बहुत समय भी तुमने आवेदन भी नहीं किया है, तो आपकी हमारी ये मूर्खता है, अभी सब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जब आपको लगेगा कि कोई कोचिंग ज्वाइन करना है तब ज्वाइन करेगा, फर्जी के यूट्यूबरों को छोड़ दीजिएगा, आपका समय बहुमूल्य है, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती। लोग कहते हैं ना कि बिलरा के भाग से शिखर टूट गया, तो कहने का मतलब ये आपके पास एक सुनहरा मौका है, और आपके पास सुनहरा पल है, इसका आप सदुपयोग करिए, अपना बेहतर दीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपके साथ वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 8-8, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, आपको उनसे आगे जाना है। तो एक होता है हार्डवर्क, होता है स्मार्टवर्क, तो आपको स्मार्ट
स्मार्ट वर्क भी करना, तो कोचिंग से जुड़कर बस इतना ही हो पाता है कि आप स्मार्ट वर्क कर पाते हैं। अभी आपको कह दिया इतिहास पढ़ना, तो पूरी इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पूरी भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन कोचिंग माने से पता होता है इतिहास में भी क्या क्या पढ़ना। मैंने बताया ना मॉड्यूल फोकस एसएन फोकस कम करिए, एसएन पे कुछ टॉपिक को फोकस करना है, मैं बाद में बताऊंगा, एसएन पूरा एसएन नहीं पढ़ना है, कुछ पॉइंट को ही फोकस करना है, फिर मॉडल पे, फिर मॉड्यूल पे, वो क्यों मैं आपको ये भी बताऊंगा, ऐसा क्यों मैं बताया, ऐसा क्यों वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों बताया, क्या कारण है, सभी किताबों में एक बार दर्शन करा दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़कर आपको अंतिम रूप से चयनित होना है। और अगर आपको लगता नहीं मैं गलत बताया, फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपको बेहतर बताए वो उसे आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आप उनसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि कारण यह है मैं चाहता हूँ सफल हो, मेरे साथ हो या ना हो, किसी के साथ हो, लेकिन आप सफल हो। कारण क्या है, पद संख्या कम है, देखने में कम है, लेकिन एक बात और मान के रखना है, आपको केवल एक पद चाहिए, 309 पद चाहिए नहीं, आपको एक पद चाहिए, आपकी लड़ाई केवल एक पद से, जो एक पद से आप अपना बेहतर देने के लिए अभी से तत्पर और तैयार हो जाइएगा। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक अगर आप देखना चाहें तो हम सारी किताबों के दर्शन करा देते हैं, लेकिन दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, पूरा बताएंगे कि इतिहास कैसे पढ़ना है, भूगोल कैसे पढ़ना है, हर एक टॉपिक पे पूरा गहन विश्लेषण करेंगे, और हर एक तथ्यों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाए कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी की भूगोल है 6, 7, 8 की, ये इतिहास है एनसीईआरटी की है, देख रहे हैं 1, 2 और पता है अच्छा 6, 7, 8 में 4 इतिहास होती है, क्योंकि ये देख रहे हैं हमारा अतीत के नाम से आता है, देखिए अतीत के नाम से आता है इतिहास है, यहाँ पे देखिए ये इंटर का भूगोल है, ये देख रहे हैं इंटर का भूगोल है, फिर यहाँ पे भी मतलब मिक्स हुई है, इसी में अतीत वगैरह मिलाकर है, राजनीति शास्त्र भी है इसका, और 6 से लेके 10 तक की, 12 तक की भी आती है, देख रहे हैं ये भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी भी है, राजनीति राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान के नाम से आती है, फिर अर्थशास्त्र है इसकी, ये देखिए ये इसका अर्थशास्त्र है, कक्षा 9, 10 से 9, 10, 11, 12 ये अर्थशास्त्र है इसके, इकोनॉमी है, तो ये सभी अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद आप इनको पढ़ते रहिए, 7 में घंटा चक्र सॉल्व करिए, घंटा चक्र सॉल्व करने सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर का प्रश्न कैसे आता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये बहुत मायने रखता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैं आपके लिए घटना चक्र की शुरू कर रहा हूँ, वो सीरीज 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, 25 तारीख से 22 तारीख अच्छा खत्म होगी, 25 तारीख से शुरू हो जाएगी, और उसके लिए आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जैसे सर्च करेंगे आप जुड़ जाइएगा इलर्निंग विद दुर्गेश सर, जैसे आप इलर्निंग विद दुर्गेश साथ जुड़ेंगे, इलर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ेंगे, दुर्गेश साथ सर्च करिएगा, जुड़िएगा इलर्निंग विद दुर्गेश साथ, और फेसबुक पे जो हमारा इलर्निंग विद दुर्गेश वहाँ पे आप जुड़िएगा, आपको हर एक चीज सारी फैसिलिटीज हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको है, पढ़ना हमें नहीं है, हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, आपको रास्ता वो दिखा सकते हैं कि कहाँ से आपको चल के अपना बेहतर देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी होना न होना आपके ऊपर, आपको ही पता है कि 2 वर्ष के परीक्षण पूरा करने के लिए आपके साथ क्या क्या हुई, कैसे आपने इतना संघर्ष किया आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो अभी आपके पास समय है, और इस बात को सोच कर रखिएगा कैसे आपको बेहतर देना है, फिलहाल आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, अपना बेहतर दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोग दूसरे में कमियां निकालना बेहद आसान है, लेकिन खुद को उन कमियों से निदान पाना ये सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे खतरनाक कामों में से एक होता है। तो फिर आप रेस के घोड़े हैं, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, फिलहाल आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तो इस बात को जरूर सोचिएगा, ध्यान से दीजिएगा, ये बहुत सारे यूट्यूबर आपको आएंगे, बहुत सारे लोग गुमराह भी करेंगे, भी बताएंगे मेरे नोट से 4 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है इतना है, अरे भैया जब यूपीएससी का पेपर सेट होता है ना तो उसमें से 15% 20% क्वेश्चन एकदम ईजी बनाया जाता है, अगर 100% क्वेश्चन को टॉप कर दिया जाएगा कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं करेगा, अब आवेदन कम हो जाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन आप दिखा के कहते हैं नहीं मेरे प्रश्न आए तो आप मुझे दिखाइए 60% ज्यादा प्रश्न दिखाइए 80% ज्यादा प्रश्न दिखाइए तब ये मानेंगे आपके नोट्स की वैल्यू, जैसे मेरे आंसू का सीटेट उठाइए देखिए, अभी पीसीएस का भी मैं बाद में दिखाऊंगा नोट्स, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं समय आने पर ही दिखाना चाहिए, तो समय आने पर मैं दिखा दूंगा कि कब कैसे कहां से पढ़ना है, और एनसीईआरटी मस्ट है, बिना एनसीईआरटी के आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी पढ़ने एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है याद नहीं करना पड़ता, ऐसे कॉन्सेप्ट बने कि अपने आप सब क्लियर हो जाते हैं, उसके लिए बाकी मैं एनसीईआरटी की सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, एनसीईआरटी सीरीज में आपके लिए ही ला रहा हूँ ताकि आपको फिर दोबारा भविष्य में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, एनसीईआरटी की जो क्लास होगी डेली चलेगी लाइव चलेगी और वो पूरी तरह से फ्री रहेगी, ताकि सभी अभ्यर्थी जो लोग भी जोड़ना चाहें वो लोग
अपना बेहतर देके एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर कर पाए, और बिना एनसीईआरटी कवर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद घटना चक्र पढ़ लीजिएगा, बार बार एक ही बात को दोहराना मुझे भी हास्यास्पद लग रहा है, मूर्खतापूर्ण लग रहा है। उसी के साथ मैं आपको फिर पुनः यह कहना चाहूंगा, आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे रखते हैं, इसलिए आप अपना बेहतर दीजिएगा। आवेदन करने के तुरंत बाद आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, सफलता आपके कदमों होगी। इसी के साथ आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।